कहानी यहीं से शुरू हुई थी। पीस नाइस, अच्छी लगती है सुनने में। आई थिंक मुझे तो ये काफी इम्प्रेसिव लगी। होल्ड ऑन हाइनेस, सेगमेंट का बाहुबली यहाँ मौजूद है और इसको सुने बगैर हम उस पर बिंदु विश्राम नहीं कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी इट। थोड़ा जुगलबंदी करो। I mean that dumb sound is nice, दमदार है, थोड़ी refined है, Royal Enfield typical feel आती है, but मुझे ये इसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी घंटी लग रही है। पर क्रांति, पुराने जो ये दिल में जो आवाज़ बैठी हुई है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी वो Royal Enfield वाला थम, चाहे बेशक थोड़ा बहुत वो चेंज हुआ है पहले से, बट इट्स स्टिल देयर इन द न्यू Meteor। तो हो गई स्टोरी खत्म, कंपैरिजन? नहीं नहीं नहीं, अभी हम दोनों के इंजन स्पेक्स, दोनों की पावर और बहुत से फीचर्स जो इन बाइक्स में हमें देखने को मिलते हैं, उनको भी कंपेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए, थोड़ा ड्रामा तो करना पड़ता है भाई। अब आप लोगों के व्यूज जो हमें लेने हैं, तो यहाँ पर केवल एग्जॉस्ट नोट्स कंपेयर करके स्टोरी खत्म नहीं करेंगे। आपको भी पता है, अंकुर को तो पता ही है, मुझे भी पता है। एनीवे, हम इस स्टोरी में कंपेयर करने वाले हैं Meteor 350 एंड द CB 350 एंड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। So obviously it won't be like a you know drag race or something, but yeah, दोनों में कौन सी quick feel हो रही है, that's what we are going to test इन दोनों के साथ में ride करके। But इसके अलावा एक बड़ी चीज जो obviously पहले नहीं हुई थी, that was CB 350, हमने ride नहीं किया था। पिछले video आपने देखा होगा, इसका ride हमने किया, and then we got to know how it performs। तो इसकी ride और handling वगैरह के बारे में भी बात करें। Plus मेरी उम्र में थोड़ा comfort वाला भी feel होता है, तो I guess comfort भी इसको चेक कर लेंगे दोनों में, ज्यादा कंफर्ट वैसे आपको ज्यादा इस पे मिलेगा। अब वो तुम ज्यादा जजमेंट मत दो, बट एनीवे लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। शुरू की कहानी लुक्स की होगी, बट उससे पहले प्लीज आप लोग सब्सक्राइब तो वो बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, प्रेस दैट बेल आइकन आल्सो, पिंग वाला, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस अपडेट्स आपको हमारी तरफ से मिलने हैं वो समय पर आपको मिलते रहें। सबसे पहले आप देख लें, सो फर्स्ट लुक्स। Me personally, proper Royal Enfield वाला, हालांकि कुछ लोग Thunderbird से compare कर रहे थे, but still overall जो look है, chrome का जैसे इस्तेमाल किया जहाँ जहाँ, I like Meteor's look better than the Hinace. Okay, so I, you know, interestingly, यहाँ पे मुझे एक element है जो मुझे काफी पसंद है, but again, that is not the standard version. ये जो dual tone है, मुझे काफी अच्छी feel, you know, लगता है that retro feel के साथ. Overall जो look है इसका, proportionate मुझे लगता है, but again, not very unique और डिस्टिंक्ट, एक टिपिकल रेट्रो फील के साथ ही बाइक आती है, तो वहाँ पर अच्छी ये बाइक लगती है, बट मुझे आई गेस ज़्यादा बेटर रोड प्रेजेंस Meteor का ही लग रहा है। यहाँ पे भी एक जैसे इसमें अच्छा एलिमेंट है, वहाँ पर एक एलिमेंट मुझे उतना अच्छा शायद नहीं लगता है। दैट इज़ नॉट वेरी प्रोपोर्शनल, आई डोंट फाइंड इट टू प्रोपोर्शनल। द सीट, यू नो, फ्रंट सीट, स्प्लिट सीट अच्छा लग रहा है, बट ओवरऑल आई गेस ज़्यादा यही है, कम्फर्टेबल है, बट आई मीन लुक की बात कर रहे थे। I know you're trying to hint at my age, yes, or whatever, that I understood. I'm not trying to do that. But I guess I'll have to kind see, of agree with. See, ab ye looks wala mamla thoda bahut clear I think ho gaya hoga darshakon ko. Ab but ek jo cheez hai, yes, Hinace is more powerful than Meteor. Theek hai. Better ground clearance isme aapko milta hai Meteor mein. Hinace mein thoda kam hai. Theek hai. Weight ke hisab se wo halki zyada hai. Theek hai. To kuch ye areas hain जहाँ पर आई मीन उसमें थोड़ा कुछ बेटर है, जहाँ इसमें थोड़ा कुछ बेटर है, ठीक है, तो ये कुछ ऑब्वियसली सो यू कुड गेस, वजन कम है अगर और पावर थोड़ी ज़्यादा है, तो विच बाइक विल बी क्विकर। सो हम दोनों इस इन दोनों को चला के भी इसके क्विकनेस के बारे में बताएंगे, बट दैट इज लेटर। यहाँ पर अंकुर फीचर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर you know that extra dial is obviously for the navigation and aapne usko use bhi kiya acche se, yes, shuruaat I think wo beta version tha, shuruaat mein jab humne use kiya tha thoda bahut wo disconnect connect ho raha tha, but I think now the bike is on sale properly and uska beta version ab nahi hoga, proper re app mein wo, so that is pretty useful, Kranti, I think, yeah, I agree wo, but yahan pe bhi aapko smartphone connectivity to mil raha hai, so in case you have those mounts
तो आप वो यूज़ कर सकते हो, अपने स्मार्टफोन को बाइक के साथ यूज़ कर सकते हो, स्टिल उस हैसल से आप थोड़ा बच सकते हैं, उससे बच सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट जो अभी हमने अपने पिछले टेक में जहाँ पर हमने गड़बड़ी कर दी थी, एक चीज़ जो हम बात कर रहे थे वो है यूएसबी कनेक्टिविटी का, और यहाँ पर ये जो पोजिशन है मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आने लगता है, व्हेन यू नो पुट इट एनीवे, ये हैंडल के साथ हैंडल मूव करेगा, तार हिलेगा, एंड अगेन सो सिमिलर आप जो कह रहे हो क्लमजी, तो मामला दोनों में ही बनेगा। यहाँ पर मुझे फीचर्स या टेक्नोलॉजी में एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, द मोमेंट आई हर्ड अबाउट दैट, दैट यू नो टॉक असिस्ट जो ट्रैक्शन कंट्रोल जो टू व्हीलर वर्जन था, आई थिंक राइडिंग में दैट इज़ वेरी यूजफुल एंड इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, तो वो टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत मुझे आपको इसमें आई मीन एक्सप्लेनेशन के टाइम पे विच आई फेल्ट बेटर कॉन्फिडेंस आपको हाइनेस में मिलता है, येस दैट इज़ वन थिंग, इसमें थोड़ा आपको लगेगा डाउट, आपको एक एक सेकेंड के लिए आएगा कि वेदर आई कैन एक्सप्लेन, बार बार आप एक्सप्लेनेशन का जिक्र कर रहे हो पता चले कि सभी ने स्किप करके सीधे केवल हमारा वो एक्सप्लेनेशन वाला ही हिस्सा देख लिया, बाकी सब मिस कर गया, बट एनी वे आई विल गेट टू दैट एज वेल। फीचर्स हो गया, लुक्स हो गया, अब एर्गोनॉमिक्स देखते हैं। एर्गोनॉमिक्स की बात अगर करूं तो यहाँ पर मेरे पोजीशन, मेरे साइज के हिसाब से आई वोंट से बहुत कंफर्टेबल है, बट सिटी राइडिंग के लिए मुझे ज्यादा मजेदार। आप इस वेट में उस वेट, हाँ, बट दोनों पे बैठ चुके हैं, बट यहाँ आई गेस दिस इज मोर कंफर्टेबल, आई लाइक इट राइडिंग के टाइम में भी। बट अगर आपको याद हो जब फर्स्ट टाइम आपने आप बैठे थे इस पे, तो ये छोटी लग रही थी, अभी भी छोटी लगती है आपके आगे वैसे, बट स्टिल कंफर्टेबल, यस दिस इज मोर कंफर्टेबल, इवन दो 5'4" 5'5" हाइट के जो लोग हैं वो भी इजिली इस पर आई मीन राइड कर सकते हैं, वो टो सिचुएशन नहीं आएगी इसमें। इसके अलावा फुट फॉरवर्ड वाला जो फीचर था वो, या जो पोजीशन है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई लाइक, वाई बिकॉज कई बार सिटी ट्रैफिक में भी हम लोग स्पीड कम नहीं करना चाहते हैं, स्पीड ब्रेकर आता है या कुछ भी, तो एट टाइम्स वी यू नो ट्राई एंड स्टैंड, और मुझे उसमें दिक्कत नहीं, कुछ राइडर्स बोल रहे थे कि ये फुट फॉरवर्ड के लिए बहुत हाइट के हिसाब से इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल, बट कॉमन राइडिंग के लिए आई थॉट दैट वाज प्रीटी ओके। सो एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से आई वुड यू नो रेट मीटियोर आई गेस 20 इन फ्रंट ऑफ सीबी, कॉन्फिडेंस के मामले में हाईनेस, कॉन्फिडेंस के मामले में नो डाउट, उसमें इंजन परफॉर्मेंस की अगर बात करें, वो जो आप बात कर रहे हो उसका मे बी वी कैन गो टू दैट आस्पेक्ट वेयर वी टॉक अबाउट द इंजन रिफाइनमेंट, यहाँ पर आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट और रिफाइंड उसकी फील जरूर लगेगी, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत क्लीनियर, उसमें आपको इनकन्सिस्टेंसी नहीं महसूस होगी, जो आई एम नॉट सेइंग कि वो रिफाइनमेंट रॉयल एनफील्ड में नहीं है, बट उसमें थोड़ी सी गुंजाइश अभी बाकी है, स्लाइटली बेटर है, आई मीन यू विल फील इट वंस यू विल राइड बोथ दीज बाइक्स, दोनों में आपको क्या फ़र्क है मे बी हमारे बताने से उतनी क्लैरिटी शायद आपको ना मिले, बट एक बार आप चलाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी समझ आएगी कि हम किस बिंदु पर वो बात। ओके, सो वन क्विक क्वेश्चन, इफ़ यू आर राइडिंग इन दिल्ली, नोएडा या बॉम्बे, व्हाटएवर, मुंबई सिटी, सो विच वन वुड यू राइड? ट्रैफिक के लिए कम्फर्ट चाहिए मुझे, कम्फर्ट इसी बाइक पे। ओके, ठीक है, एंड हाईवेज, एंड आई कैन सी फॉर मी, आई मीन मैं थोड़ा बहुत पावर से कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ कम्फर्ट को लेकर, ठीक है, स्पेशली हम दिल्ली एनसीआर के माहौल में, आई मीन आपको हर थोड़ी देर में रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे कम्फर्ट ज़्यादा मायने रखता है, बट ठीक है, आई मीन अगर थोड़ा लंबा जाना है तो देन ओके, आई मीन एक्चुअली मेरी चॉइस बिल्कुल उल्टी है, बिकॉज इफ आई एम राइडिंग इनसाइड द सिटी, इसकी जो लो एंड टॉर्क है दैट इज़ हेल्पफुल, जो क्विक रिस्पॉन्स है दैट इज़ हेल्पफुल, और जो थोड़ी सी यू नो अजाइल हैंडलिंग है वो जो थोड़ी हेल्पफुल है, तो मुझे अर्बन माहौल में ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, लंबी दूरी के लिए आई वुड गो फॉर दिस, वहाँ पर मुझे स्पीड चाहिए। आई मीन इट वॉज डूइंग प्रीटी वेल, कॉन्फिडेंस 100-120 भी ये टच कर रही है, ओके स्पीड एंड कॉन्फिडेंस, तो यहाँ परफॉर्मेंस में हम दोनों की बात उलट है, व्हाट डू यू थिंक इन केस यू हैव रिडन बोथ दीज, डू लेट अस नो, और अब लगता है कि अब सस्पेंस खत्म करके अब एक्सेलरेशन वाली स्टोरी दिखाई देते हैं, चलते हैं, शुरू से हम बात कर रहे हैं, तो लेट्स गो देयर एंड शो दैट। सो इन दैट एक्सेलरेशन टेस्ट वी आर नॉट सेइंग कि 0-60 या 0-100 हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, बस बेसिकली फील कैसी थी वो हम जानने की कोशिश करते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट रह गया है व्हाट अंकुर थिंक्स अबाउट दिस बाइक और व्हाट आई थिंक अबाउट दिस बाइक, और वो वही था कि ये ज़्यादा आपको क्विक लग रही थी, स्ट्रेट लाइन में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल या कंट्रोल भी दे रही थी, और हमने बाइक स्विच भी पहले ना जब वी वर डूइंग द एक्सेलरेशन टेस्ट आई डाउटेड ऑन माई सेल्फ कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट व्हेन आई स्टार्टेड राइडिंग इट मुझे लगा मैं सही कर रहा था, वो तेज़ है, इट इज़ क्विक, सो उस हिसाब से बहुत चुस्त आपको
आई मीन नॉट लाइक टिपिकल स्पोर्ट्स बाइक, बट या इन दोनों के कंपैरिजन में ये आपको ज्यादा क्विक फील जरूर होगी. अगेन नॉट 0 to 60, नॉट 0 to 100, दैट इज एज अ बाइकर व्हाट डू यू फील समवेयर. ऑब्वियस आल्सो पावर टॉर्क उसका ज्यादा है थोड़ा इस बाइक से, तो वो थोड़ा ऑब्वियस भी है कि आपको थोड़ी क्विक जैक मिलेगी. सो इट्स लाइटर, मोर पावरफुल एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस. अब क्या बचा है? प्राइसिंग. प्राइसिंग, यस. प्राइसिंग भी क्रांति थोड़ी बहुत सस्ती मीटियोर है, अराउंड 10,000 स्टार्टिंग जो मॉडल है उसका बात करें तो 10,000 सस्ती ये है. बट टॉप मॉडल में जो दोनों का टॉप मॉडल है वो सेम प्राइस पे है 190. सो प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं. 5-10,000 का मार्जिन थोड़ा बहुत कस्टमर लेके चलता है कि ठीक है अगर मुझे वो बाइक अच्छी लगती है तो मैं 5,000 एक्स्ट्रा दे दूंगा, बट ये अच्छी लगती है तो आप इसको 10,000 बचा भी सकते हैं, तो ये भी बात है. एग्जैक्टली. सो आई स्टिल फील दैट प्राइसिंग के मामले में थोड़ी सी प्रीमियम है ये, कम हो सकती थी. येट आई फाइंड दिस पैकेज प्रीटी यू नो फन फिल्ड पैकेज. मीटियोर 350 अभी भी ट्राइड एंड टेस्टेड वाला कैटेगरी में अगर मैं देखूं तो वहाँ पर सॉलिड लग रही है. और बिंदु मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से अंकुर विश्राम करती हुई नजर आ रही है. व्हाट काइंड ऑफ राइड्स यू जनरली मेरे हिसाब से इन केस यू आर गोइंग फॉर स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोरोना हम कैसी राइड कर रहे हैं, कितना दूर हम जा सकते हैं? और अभी तो मेरे ख्याल से यही बेटर रास्ता है. अगर आपको बाहर जाना ही है तो प्लीज़ अपनी अपनी सवारी लेकर ही निकलिए. और वहाँ पर मुझे लग रहा है लॉन्ग, इफ़ यू आर वेरी यू नो रेगुलर लॉन्ग डिस्टेंस राइडर, मीटियोर सिटी के अंदर के लिए क्रांति के टेस्ट के हिसाब से दिस अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट हाईनेस. व्हाट्स योर टेस्ट? आप क्या बता रहे हैं? डू लेट अस नो कमेंट सेक्शन में. और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा और बेल आइकन दबा ही दिया होगा. बाकी दोस्तों को भी बताइएगा कैसी लगी स्टोरी और इस तरह की स्टोरी में और क्या आपको जानना है. डू लेट अस नो. फिलहाल बाय बाय. बाय बाय. थैंक यू. बाय.